हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट 4IQ में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन भी अभी अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ UPPCS जे यानी उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीजन सिविल जज के जो मेंस आप लोगों का हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर भी वार्ता करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कितने पर हो सकता है और फिर फाइनल कट ऑफ कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देख लें। जो भी बात मैं बता रहा हूँ ये मेरे एक एनालिसिस जो मेरा पेड ग्रुप है उसके आधार पर, प्लस जो पर्सनली मेरे फ्रेंड सर्किल है उन लोगों के बात करने के आधार पर, पेपर के रिव्यू के आधार पर, मीन्स के उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश की है। और मैं फिर से आप लोग सभी लोगों से बता दूं, जैसे मैंने प्रीलिम्स से मैं कट ऑफ बताई थी ये भी मेरा एक अनुमान है, यानी एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ है, ठीक है। ये भी अपने दिमाग में आप लोग बात रखेंगे। और काफ़ी सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ जो आप लोगों के सामने। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी एग्ज़ाम को लेकर मैं GS यहाँ पर कवर कराता हूँ, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, सभी जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, APO के लिए GS हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर कराते हैं, वो भी एक सटीक रणनीति से और विद द हेल्प ऑफ पेड ग्रुप की मदद से, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, साथ में चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। और आप अपनी संयम से अपने ओपिनियंस को, अपने राय को भी अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कट ऑफ जानने से पहले थोड़ा सा इस बारे में कर लेते हैं कि इसी माह आ सकते हैं दो बड़ी परीक्षाओं के परिणाम। ये PCS JK के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आज ही की न्यूज़पेपर का है, प्रयागराज का, ठीक है। तो अब रिजल्ट में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्य परीक्षा में लगभग 6041 बच्चों ने इसमें भाग लिया था और 610 वैकेंसी आप लोगों के सामने है, ठीक है। 16 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ था, ठीक है। अब 610 वैकेंसी हैं, ये काफ़ी बड़ा है और इससे पूरा पूरा ये सामने आ रहा है कि प्रीलिम्स की तरह कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार की अगर बात करें, ठीक है। वो पूरी डिस्कशन में आप लोगों के करने वाला हूँ, ठीक है। और रिजल्ट भी आप लोगों का आई थिंक 15 मार्च से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ इस बार कम जाने वाली है, अब देख लेते हैं कट ऑफ कितनी जा रही है। देखिए दोस्तों, ये कट ऑफ मैंने आप लोगों के सामने स्लाइड लगा दी है, आप लोग देख सकते हैं। जनरल की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो जानी चाहिए 410 से 420, ठीक है, ये कट ऑफ जानी चाहिए मेंस के लिए। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद, पेपर रिव्यू के बाद ये कट ऑफ मैंने बताई है। और अब फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो कट ऑफ के पास पास होना फाइनल सिलेक्शन मेजर नहीं करता है, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस भी आपकी डिपेंड करेगी और इंटरव्यू के मार्क्स प्लस आप मेंस पेपर में मेरिट से कितने ज़्यादा मार्क्स लाते हो वो भी डिपेंड करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। अगर फाइनल सिलेक्शन में बात करें तो कम से कम 435 या 440 मार्क्स आप अगर होंगे तो आप मान लीजिएगा कि आप सिलेक्शन के लिए बिल्कुल काबिल हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली, अगर आप 435-440 मार्क्स जनरल कैटेगरी में आप लोग ला रहे हैं, ठीक है। आप OBC की कट ऑफ करें तो मुझे लग रहा है कि OBC की कट ऑफ आपकी क्वालिफाइंग या मुश्किल से मुश्किल 410 जा सकती है, बाकी मैं क्वालिफाइंग पर ही इसको मान के चल रहा हूँ 405 या 406 या इस तरह से कट ऑफ जाने वाली है। 410 बस लास्ट है OBC की आपकी कट ऑफ ये जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें SC और ST, इनका भी कुछ इस तरह का हाल है। और SC और ST की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाएगी क्वालिफाइंग, या यहाँ की वैकेंट भी खाली जा सकती हैं, ये मुझे पूरा पूरा लग रहा है। SC और ST की वैकेंट्स खाली जा सकती हैं, OBC की भी वैकेंट्स कुछ थोड़ी बहुत खाली जा सकती हैं, ठीक है। जो मेरा अपना सोर्सेज हैं उनके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का कुछ मुझे लग रहा है, जो वैकेंसीज भी खाली जा सकती हैं, ये भी याद रखें। फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर आपके 420 मार्क्स OBC में आ रहे हैं, 420 या 25, तो आप लोग श्योर हो जाएंगे। SC ST और OBC ST के लिए, SC और ST के लिए भी अगर 350 या 375 मार्क्स आप लोग गेन कर रहे हैं या 400 तक, तो आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है कि कट ऑफ यहाँ से इनकी वैकेंट खाली जाएगी, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है क्योंकि इंटरव्यू भी डिपेंड करेगा आपके मेरिट को स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई है अपने एक्सपेक्टेड के तौर पर, बाकी आप लोगों का भी एक स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस, अपनी राय को रख सकते हैं। ये सारी फीडबैक मैंने
आप लोगों की कमेंट्स के आधार पर ही सब चीज़ें रखी हैं, ठीक है। अब आप लोग इसे बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं या कट ऑफ कहाँ गई है। पिछली मेरिट्स को भी मैंने देखा है, पिछले बार से वैकेंसी 3 गुना है, ये भी दिमाग में रखें। इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी, फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, ये भी आपने ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मायने करती हैं हर चीज़ में। और एक लास्ट में मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि केवल ये मेरे एक अनुमान के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कभी आप लोग मुझे बाद में ठेस दें कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है। हो सकता है कुछ इसमें चेंजेस हो जाए, लेकिन ज़्यादा बड़ा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जितनी कट ऑफ मैंने बताई है, आप सेफ जॉब में रहिएगा। बहुत ही जल्दी मैं इंटरव्यू के टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ जो जीएस को बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एपीओ का ग्रुप चल रहा है हमारे, उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी का। उत्तराखंड सिविल जज का पेड ग्रुप चल रहा है, आप उसको जीएस के लिए कर सकते हैं। या बिहार मेंस का, अगर आप लोगों का है, बिहार मेंस की कट ऑफ रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी, तो प्लीज़ बिहार मेंस के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए आप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, पेड ग्रुप है ये, याद रखेंगे, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।